भगवान के नामों की इतनी शक्ति है कि कितना से बड़ा भी आदमी पाप करे, लेकिन वह इन नामों के द्वारा इस पापों को पार कर सकता है। देखिए, जब इंद्रदेव बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं देवताओं के, और जब जब वो तो देवताओं और असुरों में हमेशा संग्राम चलते रहता है। देवराज इंद्र जब अपने गुरु बृहस्पति जी को, उनके इतनी जब आदमी के पास बहुत पद शक्ति आ जाती है तभी भी बेचारा दुखी रहता है, और शक्ति चली जाती तभी भी, समझ रहे। तो बहुत शक्ति थी, देवराज राजा एकदम देवताओं के बने हुए थे, तब उनको मद आ गया और उन्होंने गुरु को प्रणाम नहीं किया, उनकी शक्ति खत्म हो गई। दैत्य लोग अपने गुरु को प्रणाम करके शुक्राचार्य की सेवा की, तो वो लोग शक्तिशाली होकर फिर से विजयी हो गए। फिर ब्रह्मा जी के पास इंद्र गए, भटक रहे थे, स्वर्ग लोक से हटा दिया गया था। ब्रह्मा जी के पास अब देवता लोग विनती किए कि क्या हम क्या करें, अब तुम लोग ने गलती की, तुम लोग ने गुरु जी का आदर नहीं किया, उनको आने के बाद भी प्रणाम नहीं किया। बोले ठीक है, अब क्या करें। बोले अब आप लोग दूसरा गुरु बनाइए, नहीं तो बृहस्पति छुप गए हैं, तो आप लोग विश्वरूप जी को गुरु बनाए। लेकिन जब उनके अंदर इतनी वासनाएं थी भोगने की, तो ब्रह्मा जी ने बताया भी, देखिए आप अगर विश्वरूप को गुरु बनाएंगे, लेकिन वो चूंकि त्वष्ट के पुत्र हैं और रचना के पुत्र हैं, रचना असुर कुल से है, तो उनके भाई उनके सबके प्रति समभाव है, आप लोग को भी सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि दानव के प्रति भी वो थोड़ा सेवा करेंगे। तो बोला हाँ हाँ ठीक है, हमको तो अभी राजा जी जीतना है। तो लोग फिर विश्वरूप के संरक्षण में उनको फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, और विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे, तो दो आहुति कभी इंद्र के नाम से देते, अग्नि के नाम से, देवताओं के नाम से देते, और कुछ आहुति बिना कुछ बोले दानव के मन नाम से। जब इंद्र को पता चला तो उसे इतना क्रोध आया, उन्होंने गला ही काट दिया। अब क्या करें, तो लोगों ने बताया ठीक है, अब ब्राह्मण की हत्या हो गई, गलती हो गई, लेकिन वो इंस्टेंटेनियसली कर दिए थे, गलती से हो गया था। भोग वासना ऐसी है कि जब तक आप इस भोग वासनाओं का निवारण नहीं करेंगे, तब तक कभी भी कुछ भी हो सकती। इसलिए भगवान जी गीता के छठे अध्याय के आई थिंक 7वें श्लोक में परपट बताते कि कैसे जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रिय को नहीं जीता, वो आदमी कभी भी किसी का अपराध कर सकता। आप इंद्र को नहीं जीते, आपके अंदर इतनी इच्छा है, तो कभी भी आप किसी का अपराध, आपको मान लिया अच्छे खाने की इच्छा, और किसी ने ख़त्म कर दिया आइटम, किसी और को दे दिया, और आपकी इच्छा थी, तब चिल्लाने लगे कैसे खत्म कर दिया। लेकिन आप अगर आसक्त नहीं होंगे, ठीक है भगवान जैसा रखे, मिला ठीक है, नहीं मिला तो वो इंद्र चूंकि बड़े आसक्त थे, उन्होंने अपराध कर दिया। लेकिन फिर ब्राह्मणों से कंसल्ट करके उन्होंने बोला ठीक है, आप इसे, उन्होंने बांट दिया अपने पापों को स्त्रियों में, भूमि में, इत्यादि में, पेड़ में। अब फिर इंद्र, लेकिन इंद्र त्वस्त बड़े क्रोधित हो गए, उन्होंने अपनी शक्ति से ऐसे दानव की पुत्र यज्ञ से उर्जित किया जो इंद्र को मारे, लेकिन यज्ञ में थोड़ा उच्चारण की गलती होने से ऐसा पुत्र हो गया जो इंद्र ही जिसको मारेंगे। तो बित्रासुर जब प्रकट हो गया, तब सब देवता लोग डर गए, सब लोग भागने लगे, कि उसका साइज इतना ज्यादा था कि उसको युद्ध लड़ने के लिए कोई व्हीकल यूज करने, रथ हाथी कोई जरूरत नहीं, उसका एक ही स्टेप में वो 2 किलोमीटर चल सकता था। वृत्तासुर जब पैदा ही हुआ तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि पूरा आसमान में लगता रात हो गया, उसका नाम ही पड़ गया वृत्त, कहीं पर खड़ा हो जाए तो पूरा रोशनी ढक देगा। तो सब लोग घबरा गए, तब तो जो लीडर होगा उसी को सब बोलेंगे मारिए मारिए। तो इंद्र बोला बाप रे, तो हम इतने जोर से स्पोर्ट हुआ, इतना जोर से चिल्लाया, दुनिया में सबसे बड़ा विस्फोट वही हुआ है, वृत्त विस्फोट, इतना जोर का आवाज किया कि सब आवाजें सुन के आधा लोग मर गए।
कि बाप तो आवाज से मार देगा, तो साउंडे बम से मार दिया मतलब, बाकी तो कोई जरूरत ही नहीं इसको, तो किसी का ताकत नहीं बना। फिर बोले इंद्र तुम कुछ, आप लीडर है, आप कुछ मारिए। अब उसको पता था ब्राह्मण है, त्वष्ट का पुत्र है, ऑलरेडी विश्वरूप को मारे थे तो 1 साल तक झेलना पड़ा था उनको मतलब। फिर रिएक्शन सब बोला चला जाएगा चला जाएगा, लेकिन जाता नहीं इतना आसानी। फिर ब्राह्मण लोग आए, मारिए कोई दिक्कत नहीं, भगवान हरि का हम लोग अश्वमेध यज्ञ करवा देंगे, आप भगवान हरि का स्मरण कीजिएगा। अरे भगवान हरि का आप अजामिल का कथा भूल गए, एक बार नारायण नाम लिया पापों से मुक्त हुआ कि नहीं? अरे आप एक वित्रासुर की बात करें, पूरे ब्रह्मांड को आप युद्ध में मार देंगे, फिर भी हरि का नाम लेके आप मुक्त हो सकते हैं। उनको होली नेम सेमिनार दिया, समझ रहे, तो भी इंस्पायर्ड हो गए। उनको अंदर से लग रहा था कि कुछ होगा नहीं, इतना बड़ा ही भक्त है और ये ब्राह्मण है तो मरेंगे। लेकिन सब लोग बोला बाकी अरे हम साथ में अश्वमेध यज्ञ करेंगे, हरि का स्मरण करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे, साथ में मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, साथ में हम लोग भक्ति करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो इधर अब क्या करें, अब ये उनको भोगने की वासना है, अगर भोगने की वासना नहीं होती तो सच हो सकता नहीं भी कर, तो भोग होने की वासना स्वर्ग की इच्छा होने का, फिर से युद्ध कर लिए, वित्रासुर को मार भी दिए। मारने के बाद इंद्र अब राजा बन गए, लेकिन चूंकि पाप किया था, वित्रासुर जैसे महान भक्त को मारा था और भोगों की वासना थी, तो मारने के बाद उनके पाप पुरुष, एक स्त्री थी पाप पुरुष के रूप में, वो उनका पीछा करने लगी, भाग रहे, लेकिन वो अब सब देवता लोग निकल गया, सब कोई उसका सपोर्ट कर रहे, सब बोला था हम लोग है ना, हम लोग है, लेकिन कोई है नहीं साथ में, बेचारा अकेला भाग रहा है कहाँ जाए, पाप पुरुष उसको एकदम पकड़ने के लिए, वो स्त्री जो थी पाप के रूप में वो पकड़ना चाह रही, उसके शरीर में कोई खून लथपथ, और इंद्र पूरा एकदम डर गया, संक्रात्मक बीमारी फैला दी गई, ट्यूबरकुलोसिस, उसके शरीर में पूरा ब्लड अगर छू देगी तो मर जाऊंगी, क्या होगा, इंद्र को समझ में नहीं आ रहा। तो इंद्र के पास अब पूरा स्वर्ग का राजा है, पैसा है, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर भक्त जान कुछ के पाप करेंगे तो उनको फिर अंदर से पूरा मतलब बहुत वो फील होगा, अंदर से अच्छा चलेगा। देखिए इंद्र तो जानबूझ के पाप किए, तो अब इसको निकालना बड़ा, पूरा ब्रह्मांड घूम लिया, लेकिन कहीं पर वो पाप पुरुष पीछा नहीं छोड़ रहे थे, परेशान हो गया, परेशान हो गया इंद्र, कहाँ करे कहाँ, अंत में जाके मानस सरोवर में जाके छुपे इंद्र जी, समझ रहे, बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ हो नहीं। तब उन्होंने भगवान का स्मरण करने का प्रयास किया, लेकिन देखिए पाप करने से भगवान का स्मरण इतना आसानी से, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं यही सॉल्यूशन है, तो उन्होंने किसी प्रकार से भगवान का स्मरण किया, चूंकि लक्ष्मी जी का स्थान था वो कमल का पुष्प, तो उनको, और देवता अग्नि उनके लिए खाना ला के देते थे, लेकिन अग्नि बहुत उनको डर लगता था, पानी के अंदर वो थे कि हम पानी के अंदर जाएगा तो मेरा जल, मतलब अग्नि को देव को डर लगता पानी के अंदर, तो अंदर नहीं जाते थे, बाहर से खाना देते, तो आधा खाना तो पानी में ख़राब हो जाता, समझ रहे, और बेचारे भूखे रहने लगे इंद्रदेव, खाना किसी को प्लेट में देंगे तब ना फेंक देंगे ऊपर से, मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर से, तो कितना मिलेगा पता है, ये लो राइस, ये लो दाल, ऊपर से फ्लोर से नहीं, नीचे नहीं आएंगे कोरोना पकड़ लेगा, वैसे ही इंद्रदेव अग्नि ऊपर से फेंक देता था, बेचारा उसको कितना मिलता था पता नहीं, और ऊपर आ नहीं सकता, उसको डर था। तो इस प्रकार से इंद्रदेव बेचारा पूरा उपवास, 1 साल एकादशी उपवास, सब उपवास हो गया उसका बेचारे का, पूरा पीड़ित, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करे नहीं करे इधर। तो हम भक्तों को सतर्क करना चाहिए कि हम पाप ना करें, जब करें इसका ये मतलब नहीं अजामिली कथा सुन लिए कि कुछ के कि हम पाप करने कि हाँ हरे कृष्ण बोलेंगे हो जाएगा, नहीं, कोई गलत चित्र देखेगा गलत करेगा फिर तो उतना आसानी से जाएगा नहीं, समझ रहे, तो सतर्क करना चाहिए पाप नहीं करें, गलती से माफ पाप होने के बाद वो अपने आप माफ़ कर देते हैं भगवान, वो उसका ज़्यादा दिक्कत, लेकिन जानबूझ के आप करेंगे चलता है तो फिर पहला तो इफेक्ट होगा जब मन ही नहीं लगे, इंद्र ट्राई कर रहा है, उसको पता है भगवान का स्मरण करना, लेकिन हो रहा नहीं, लेकिन किसी प्रकार वही सॉल्यूशन उसने अब
पीड़ा पहन सहने के बाद फिर किसी प्रकार से किया। तो लेकिन जैसे उसने भगवान का स्मरण करना चालू किया, वैसे सब पाप अपने आप कटने लगे। निवारण उसके आगे जो पाप थे, इसीलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि 24 घंटे 22 घंटे जब हम जीवन जीते हैं तो शुद्ध जीवन जीने का, ज़्यादा पाप न करें। और फिर भी कितना भी आप प्रयास करें कुछ हो ही जाए, जब तक भोग वासना है तब तक कुछ ना कुछ पाप होते ही रहेंगे। तो भगवान से अपने रोना चाहिए, भगवान मेरे वासना को ख़त्म कीजिए, न धनम न जन्म न सुंदरी मेरे। और दूसरा है इतना मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कितना प्रयास करूँगा। मतलब तो साधन इसलिए नहीं है कि साधन के द्वारा हम, जप के द्वारा हम अपने पापों को हटा पाए। साधन तो बस इसीलिए है कि भगवान को दिखाएं, भगवान मैं प्रयास कर रहा हूँ। जिस पर छोटा बच्चा रोता है उसके पास शक्ति थोड़ना है। मान लीजिए छोटे बच्चे को कोई मच्छड़ी काट रहा है, कुछ नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता, वो बस रोएगा तो माँ आ जाएगी तो उसकी रक्षा। वैसे एक साधक को समझना चाहिए कि मेरे जप से मैं शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन मैं जब को देख के भगवान आकर्षित हो जाएगा, अरे बेचारा बेचारा बहुत कष्ट में है। इसीलिए भक्त लोग तिनाद भगवान को पुकारते हैं, कृष्ण आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं गलती से यहाँ पर आ गया, यही नंद तनुजा किन करम पतिताम माम इसमें भगवान। हे कृष्णा, हे नंद नंदन कृष्ण, मैं आपको चरण कमलों को छोड़कर इस दुनिया में बहुत पीड़ित हूँ, और मैं जान रहा हूँ लेकिन भोग वासना खत्म नहीं होती। जानता हूँ इंद्र तृप्ति नहीं करनी, लेकिन उसमें भी मेरी शक्ति नहीं कि इंद्र तृप्ति को छोड़ सके। जानता है आदमी की इंद्र तृप्ति नहीं करनी, लेकिन विवश है, विवश हेल्पलेस आदमी जानता है, पीड़ित हुआ है, बार बार उसको साक्षात्कार हुआ है कि इंद्र तृप्ति करने से कष्ट मिलता है, लेकिन फिर भी विवश है बेचारा, छोड़ नहीं पाता। बड़े बड़े मुनिजन भोग वासना को नहीं छोड़ पाते, जानते लेकिन असंभव हो जाता। और दूसरा हमारा क्या है, भगवान बोल रहे हैं शिक्षा सूचित महापू कि भगवान आपके नामों में इतनी शक्ति है, जानता हूँ नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तत्रार पिता नियम। आपने इतना ईजी बना दिया, कोई नियम कानून नहीं लगाया, कभी भी रात दिन खाते पीते टॉयलेट सब जगह भगवान आपका नाम, लेकिन फिर भी आपने तत्रापि नियमित स्मरण न कहा। लेकिन मेरा ऐसा बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे को इसमें रुचि। इस प्रकार से भक्त लोग विनम्र भाव से भगवान को पुकारे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो भगवान को पुकारने के बाद मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा कि आपकी कृपा से मैं तर जाऊँगा। तो इसलिए हम भगवान को अपना प्रयास दिखा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, हरे कृष्णा मन को भगवान पे केंद्रित कर। प्रयास यही है, यही हमारा, यही जीव की शक्ति है, यही जीव का धन है कि वो प्रयास करके भगवान को दिखा सकता है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। मन जा रहा उसको लाना कि नहीं कृष्ण मैं प्रयास करूँगा, मैं अपने तरफ से जितनी शक्ति है मैं पूरा एक एक मंत्र प्रयास करूँगा, अच्छे से सुन सकूँ, अच्छे से प्रयास करूँगा। यही हम करेंगे तो बस भगवान खुश हो जाएंगे। जैसे ही भगवान आ जाएंगे वो बस अपने आप पाप खत्म हो जाते हैं, अपने आप भगवान हमें संरक्षण दे, अपने आप भगवान के नामों में रुचि आने लगती है। तो इस प्रकार से हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ठाकुर जी कृपा करके आप इन भोगों की वासना को हटा दीजिए, कृपा आप ही हटा सकते, और आप हटाए नहीं हटाए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मुझे भरोसा है। आप हटाओ, मेरे को और पीड़ा होनी चाहिए थी, मेरी तो और वासना पीड़ित पीड़ित करें, लेकिन मैं इसमें आपका क्या दोष, को मैंने ही इच्छा की थी तो अब, लेकिन आप अगर आप कृपा करें तो हटा दें। इस प्रकार से भक्त भगवान के नाम को लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है, जो हो जाए भगवान आप मेरे ही पाप में, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, यही एक सॉल्यूशन, और कोई दुनिया में सॉल्यूशन। कभी कभी भक्त घबरा जाते हैं, गुरु जी मैं इतना जब क्या, फिर भी मेरी वासना मुझे मुझसे कुछ गलती हो गई, ये हो गया, घबराना नहीं, जो
भगवान को पकड़ के रखना। हरे कृष्ण जय नाम प्रभु की जय।